हाल ही में मुंबई कांग्रेस की शाखा के पूर्व अध्यक्ष ने संजय निरुपम के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो आरोप और क्या कहना है कांग्रेस का इस बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय निरुपम जब से मुंबई के अध्यक्ष बने, उत्तर भारतीय नेताओं के साथ सबसे पहले उन्होंने छल कपट शुरू किया, अपमानित करना शुरू किया। हमने मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए संजय निरुपम हटाओ, मुंबई कांग्रेस बचाओ, ये मिशन चलाया है। हाल फिलहाल में संजय निरुपम के बारे में सोशल मीडिया पर काफी गलत प्रचार किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संजय निरुपम ये एक कार्य सम्राट है जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ राजनीति, लोगों के भलाई के लिए दे दिया। आज उत्तर भारती जो हम चैन से सो रहे हैं और जो सुकून की सांस ले रहे हैं हम लोग, वो हमारे कार्य सम्राट संजय निरुपम जी की वजह से है। आज मुंबई के अंदर पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से आज कांग्रेस जोर शोर से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरह से कार्यकर्ता में उत्साह है, ये पूरा तन मन धन दे के संजय निरुपम जी ने खड़ा किया है। आज संजय निरुपम जी की वजह से मुंबई के अंदर कांग्रेस इतने फॉर्म में चल रही है और आने वाला जो इलेक्शन 2019 का वो हम जीतेंगे और वो संजय निरुपम जी की वजह से जीतेंगे और हमारे जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और मंत्री संजय निरुपम जी बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये देखा नहीं जा रहा है, कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी बातें नहीं हो जा रही। कुछ चमचे लोग हैं जो उनकी बुराई करने में लगे हैं। तो चमचे, एक चमचा है उनका जो बरसाती मेढक है, जब बारिश आती है ना तो टर्र टर्र कर रहा है, और उसका नाम है गणेश कामले। वो गणेश कामले सर के बारे में गलत कह रहा है, तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि बरसाती मेढक टर टर करना बंद कर। जो कार्य सम्राट जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है कांग्रेस का, जिसकी वजह से आज कार्यकर्ता में उत्साह है, उनका तू नाम खराब मत कर, उनके बारे में गलत शब्द मत कर। अगर तू उनके बारे में गलत बोलता है तो हर एक कांग्रेसी के बारे में गलत बोलता है, हर एक इंसान का कट्टर कार्यकर्ता के बारे में गलत बोलता है जो कांग्रेस के प्रति तन मन धन से काम करते हैं, बिना निस्वार्थ बुद्धि से काम करते, अपना स्वार्थ साइड में रख के, क्योंकि हमको राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश को आगे लेके जाना है। आज जो देश मंदी से गुजर रहा है, मंदी हटानी है। इस कार्य में, इस जो मंथन जो चल रहा है, ये मंथन के अंदर कोई भी अगर कार्यकर्ता या कोई बाहर का कांग्रेस पार्टी को गलत बोलता है या उसका गलत कोई उनके नेताओं पर गलत प्रचार करता है, कोई भी नेता हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको उसकी जो भाषा बोलता है, उसको उसकी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। तो गणेश कामले, तू जो बोल रहा है उसको बंद कर, नहीं तो तुझे उसी चीज में उसको जवाब दिया जाएगा। इतने महान व्यक्ति के बारे में तू बोलना मत बंद कर। आज वो सबके हमारे गुरु है, आज उनके वजह से आज हम उत्तर भारतीय जी रहे हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में गलत हम बिल्कुल नहीं सुन सकते, और संजय निरुपम जी ही मुंबई में नेतृत्व कर, उनके नेतृत्व में हम 2019 का चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी